कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आप देख रहे होंगे ये सब सामान मैंने रखा हुआ है ऐसे। तो ये सब सामान आया है मेरे मायके से, क्योंकि करवा चौथ है तो हमारे मेरे रिचुअल्स है ऐसा कि भाई करवा चौथ के टाइम पे मायके से थोड़ा सिंगार का और कपड़े, थोड़ी मिठाई, फल वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं। तो बस वही सब है। मम्मी पापा का शूट मैं नहीं कर पाई, उसका रीज़न मैं आपको वीडियो में आगे पता चलेगा मैंने उनका शूट क्यों नहीं किया है। बाकी सब सामान है जो मैं आपको शो कर रही हूँ क्या क्या आया है। पहले मेरा भाई आने वाला था लेकिन सडन प्लान उनका चेंज हुआ और वो मेरे मम्मी पापा आ गए शाम के टाइम। तो ये मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं, इसमें पांच कपड़े होते हैं तो ये सब चीज़ें मिला के पाँच कपड़े हैं। और ये मेरी सासू मम्मी की साड़ी है। नेक्स्ट जो है इसमें ये सब चीज़ें लगी हुई हैं। और नेक्स्ट जो है ये मेरे ससुर जी के कपड़े हैं। और ये सब शगन का सामान होता है और कुछ नहीं, कोई ज़रूरी नहीं होता, सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। ये मेरी साड़ी है। नेक्स्ट ये इसके साथ चूड़ियों का सेट मम्मी ने भिजवाया है और ये इतना है, बड़ा खूबसूरत सा लग रहा था ये। और ये सेकंड मेरा सूट है और इस पे ऊपर ये सब सामान लगा हुआ है। तो ये दो जोड़ी कपड़े मेरे हो गए। और ये सब फल फ्रूट मिठाइयाँ ड्राई फ्रूट्स, बस वही छोटा मोटा सामान। और ये है इसमें चुटकी है और ये सब सिंगार का सामान है। ये ब्रॉच, वही जो सब सामान नॉर्मली होता है वही सब सामान मम्मी ने पैक करके दिया है इसमें, मेकअप का अलग से। बस ये सब इसलिए होता है, शुभ के लिए होता है। और ये चुटकियाँ हैं, चुटकी चुटकी जो भी बोलते हैं, ये बहुत से लोग इनको बिछिया भी बोलते हैं। तो मैं इसके साथ साथ आपको अपना हॉल भी शेयर करूँगी आज की वीडियो में। आपके साथ ये पोटली बैग है, ये कुछ इस तरीके का है, इसमें नोट लग गई है। तो ये कुछ इस तरीके का है पोटली बैग, ये है रानी कलर में है। तो ये दो आए हैं, ये मैं इसको खोल ही रही हूँ क्योंकि ये मेरे को गिफ्ट करना है, इसलिए मैंने ये ऐसे कैसे ही पहने दिया है। तो दिखाने के लिए मैंने ये आपको आपके लिए खोल लिया है। तो इसमें कुछ इस तरीके का स्पेस है, काफ़ी अच्छा स्पेस है, मैं इसे एक बार यूज़ भी कर चुकी हूँ। तो ये पोटली बैग है, प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी। और ये जो मंगाया है मीशो से मंगाया है, मीशो के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे, ऑनलाइन ऐप है, इंडिया का नंबर वन ऐप है जहाँ से आप ऑनलाइन कुछ भी परचेज कर सकते हैं, क्लोथिंग्स, एक्सेसरीज, मेकअप और होम डेकोर के काफ़ी सारे सामान। और इसमें ये कुछ इस तरह का थ्रेड वर्क है, दोनों में ही सेम है, बस कलर का फ़र्क है। और ये दोनों कॉम्बो पैक एक साथ आया हुआ है, प्राइस आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और मुझे इस प्राइस में ये काफ़ी वर्थ लगा, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी। और इसकी जो हैंडल या फिर जो भी ये है, ये बीट्स में है, पूरा पूरा बीट्स में बना हुआ है और ये बहुत प्रीटी लग रहा था। तो सेकंड आइटम जो मैंने मंगाया है वो है ये चूड़ा। ये आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को पहने हुए देखा होगा, तो ये काफ़ी ट्रेंड में है अभी। तो मैंने भी ये एक दो यूट्यूबर्स को देख के मेरा मन किया कि यार मेरे पास भी एक ऐसा चूड़ा होना चाहिए। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे चूड़े हैं इस वक्त, लेकिन वही है ना, ट्रेंड के हिसाब से जो चीज़ होती है तो फिर मन करता है कि यार ये चीज़ भी हमारे पास होनी चाहिए। तो फिर मैंने ये पहले ये जो मैंने साइज़ मंगाया था 2x4 मंगाया था, 2x4 मेरे को आराम से आ जाता, बट ये वो मुझे छोटा पड़ गया। इसका मैं रीज़न आपको बताती हूँ, मुझे छोटा क्यों पड़ा और मेरे को फिर ये 2x6 मंगाना पड़ा साइज। इसका रीज़न ये था, ये देख रहे हैं आप, ये जो चूड़ियाँ हैं ना अंदर वाली, मतलब पिंक वाली, ये चूड़ियाँ थोड़ी छोटी हैं इसके अकॉर्डिंग, और फिर छोटी भी हैं प्लस ये जो स्पेस होता है ना चूड़े का, वो थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा दिया हुआ है कंपैरिजन टू दिस, ठीक है। तो ये इस वजह से ये वाली चूड़ियाँ थोड़ी थोड़ी दिक्कत कर सकती हैं आपको चढ़ने में। तो आप ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप पन्नी वगैरह या फिर ग्लव्स वगैरह पहन के, जो प्लास्टिक के आते हैं उस तरह के, या पॉलीथीन आपने घर में जो होती है उस तरह की, वो लेकर आप इसको
पहन सकते हैं, नहीं तो आपके हाथ जो है हार्म हो सकते हैं, जिस तरीके से मेरे ये हो गया है। ये ऑलरेडी जला हुआ था और ये छिल गया इसको पहनने की वजह से, तो मैं अभी इसको आपको वेयर करके नहीं दिखाने वाली हूँ। तो शायद मैं इसको करवा चौथ पे अपने लहंगे या साड़ी जो भी पहनूंगी उसके साथ मैच मिक्स एंड मैच करके पहनने की कोशिश करूँगी। बाकी देखते हैं मैं इसको कब पहन पाऊँगी। बाकी है बहुत ब्यूटीफुल सा चूड़ा, तो आप इसके बीच में कुछ अलग से कड़े वगैरह भी लगा सकते हैं, वरना ये इतना भी बहुत है। तो ये हो गया, और यहाँ पे मैंने क्लोजअप में भी आपको दिखा दिया था कि आप अच्छे तरीके से देख पाएँ। मेरे वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि आप जो प्रोडक्ट लें तो मैं उसका आपको अच्छे से ऑनेस्ट रिव्यू दूँ। तो ये काफ़ी सुंदर चूड़ा है, आप ले सकते हैं। लास्ट में आपको शो करूँगी ये क्लच जो कि मेरे कोथली पर आया है। ये मैंने ऑनलाइन परचेज किया था, थोड़ा लेट आया था इस वजह से मैंने ये ऐसे ही रख दिया था, मतलब इसकी वीडियो वगैरह को शूट नहीं करी थी। तो मैं अब आपको शो कर रही हूँ इसका जो इसमें इस तरह की जिप लगी हुई है और स्पेस काफ़ी अच्छा है इसके में। ये इसका स्पेस है और ये इस तरह का इसमें चेन लगा हुआ है। ठीक, इसको आप ब्लैक कलर का है, इसमें और भी आपको कलर ऑप्शंस मिल जाएंगे, बट मुझे जो पर्सनली मुझे ये पसंद आया क्योंकि ब्लैक ऑलमोस्ट सभी आउटफिट्स पे चल रहा था। तो लास्ट जो है वो ये क्लच है जो काफ़ी प्रीटी लग रहा था और फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है, कहीं से भी कोई धागा या कुछ इस तरीके से नहीं निकल रहा था और स्पेस भी काफ़ी अच्छा है इसका। और मेरे पास ब्लैक कलर का कोई भी क्लच नहीं था तो इस वजह से मेरे को ये चाहिए था। अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो इस प्राइस में ये काफ़ी अच्छी डील है। ये तीन प्रोडक्ट थे जो मैं आपको शो करना चाह रही थी अपनी ब्लॉग में। तो गाइस ये तीन प्रोडक्ट थे, तो जिसमें से जो मैंने आपको ब्लैक वाला क्लच दिखाया है वो मैं पहले ही परचेस कर चुकी थी, मतलब अपने मायके में, बट वो डिलीवर्ड लेट हुआ था और मेरे को यहाँ आना था तो मेरे को बीच में टाइम नहीं मिला था उसको आपको शो करने का। बाकी जो प्रोडक्ट थे, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको उसका लिंक दे दूँगी, आप एंड स्क्रीन पर जाकर देख सकते हैं। वो मीजो हॉल या व्लॉग जो भी आप कहना चाहें तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लेना, तो आपको पता चलेगा उसमें कि मेरे एक दो प्रोडक्ट रह गए थे जिसमें से एक ये भी था। तो वो जब सामान अब कोथली पर अब करवा चौथ का आ गया है तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं आपको अब दिखा देती हूँ, शायद वो अभी भी स्टॉक में अवेलेबल हो तो आप अपने लिए अगर परचेज़ करना चाहते हैं तो आप परचेज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जब मेरी कोथली आई थी करवा चौथ की, मतलब मेरे मम्मी पापा दोनों आए थे देने के लिए, बट मेरे से गलती ये हो गई कि मैं उनका शूट करना भूल गई, वरना आपको वो भी ब्लॉग में देखने को मिलते मेरे, तो इस चीज़ के लिए एक्सट्रीमली सॉरी गाइस। तो नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगी, मैं अपने हर छोटे छोटे मोमेंट को कैप्चर करने की कोशिश करूँगी। वो एक ऐसा था, मैं काम में लगी हुई थी तो बस रह गया, दिमाग से एकदम ही स्लिप हो गया कि मुझे ब्लॉगिंग भी करनी थी, तो इस चीज़ के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी, आगे से ऐसा नहीं होगा। तो बस कोथली का सामान था, मेरे को जब देखा मैंने, मेरे को तब सडन याद आया कि मेरे को शूट भी करना था, बट जितना भी सामान जो भी जैसा भी आया था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है।